सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक बीस्ट द क्राइम ऑफ ग्रिंडलवॉल्फ के ट्रेलर के बारे में। तो सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट तो बनता है क्योंकि मैं इस फिल्म की काफी ज्यादा डिटेल में जाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमें क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवॉल्फ का टीजर ट्रेलर देखने मिला और इस टीजर में हमें काफी ज्यादा डिटेल मिली है। तो चलिए अब ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो इस टीजर के स्टार्ट में ही हमें हॉबर्ट दिखाया जाता है जिसका फैंस काफी सालों से वेट कर रहे थे और फाइनली उन्हें एक बार फिर से विजर्ड वर्ल्ड का हॉबर्ट देखने मिल रहा है और हमें वहां पर कुछ ऑर्ट नजर आते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से आए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि सभी फैंस को ये पता है कि हॉबर्ट्स के पूरे तरफ एक प्रोटेक्शन स्पेल लगी हुई है जिससे बाहर का कोई भी विजर्ड अंदर आ नहीं सकता है। लेकिन कुछ बातें क्लियर नहीं है, जैसे कि ये ब्रिज इस स्कूल के अंदर है या फिर बाहर, जिसे हमने हैरी पॉटर के डेडली हॉलोज में देखा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि हॉवर्ड स्कूल में इस टाइम पर हमारे डंबलडोर हेडमास्टर नहीं थे। तो मेरे हिसाब से जो हॉवर्ड्स के करंट मास्टर होंगे उन्होंने ये शील्ड नहीं डाली होगी क्योंकि उस टाइम पर हॉवर्ड्स को कोई भी खतरा नहीं था। और मेरे हिसाब से वो हेडमास्टर और कोई नहीं बल्कि एमेंडो डिपिट्स या फिर फिनियस ब्लैक हो सकते हैं। और अगर हम इस सीन में नजर डालें तो हमें वहां पर थीसिस कमांडर और लीटर स्ट्रेंज नजर आती है। और आप सबको पता होगा कि थीसियस स्नूज कमांडर का भाई है और लीटर स्ट्रेंज वही है जिसे स्नूज प्यार करता था। लेकिन लीटा शायद उसे प्यार नहीं करती थी, वो उसके भाई से प्यार करती थी, इसलिए वो उसका यूज कर रही थी ताकि वो उसके भाई तक पहुंच सके। और इस फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। और इस सीन को देखकर ये लगता है कि लीटा अभी अभी वहां से चली गई है। और फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि न्यूट्स के पास अभी भी लीटा की एक फोटो है जिसे वो हमेशा संभाल कर रखता है, यानी वो उसे अभी भी प्यार करता है। लेकिन लीटा का एटीट्यूड देखकर ऐसा लगता है कि वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती क्योंकि वक्त सब कुछ भुला देता है। तो इस फिल्म में उन दोनों का आमना सामना तो पक्का होने वाला है। और अगर आपको बैकग्राउंड को देखकर कुछ याद आ रहा होगा तो जी हाँ, ये वही डिफेंस अगेंस्ट द डार्क क्लासरूम है। तो शायद उस टाइम पर ये लोग इस रूम को मीटिंग के तौर पर यूज करते थे। और आपको जो ये टावर जैसी चीज नजर आ रही होगी, हमने इसे इसके पहले भी देखा है हैरी पॉटर की मूवीज में। और फिर हमें अगले सीन में न्यूट्स नजर आता है जिसका अगला मिशन पेरिस में है। लेकिन न्यूट्स ने इस पोस्टकार्ड को फाड़ा क्यों होगा? तो मुझे लगता है कि ये पोस्टकार्ड न्यूट्स को और किसी ने नहीं बल्कि लीटा ने भेजा होगा, इसलिए उसने गुस्से में आके इसे फाड़ दिया होगा। और इस सीन पर नजर डालें तो हमें यहाँ पर कोई दी इल्यूमिनेटर का यूज करता हुआ नजर आता है। तो मुझे लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डंबलडोर है। ऐसा ही कुछ उन्होंने हैरी पॉटर के फर्स्ट पार्ट में भी किया था। उसके बाद ये चीज वीजली के पास चली गई थी जिसे हमने डेडली हॉलो के फर्स्ट पार्ट में देखा था। और मेरे हिसाब से ये वही इल्यूमिनेटर है जिसे डंबलडोर ने रॉन को दिया था। उसके बाद हमें यंग डंबलडोर का एक क्लियर लुक नजर आता है जिनका रोल इस फिल्म में जूड लॉ कर रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि इस फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग पेरिस में की गई है, लेकिन इस सीन को देखकर ये लगता है कि ये बैकग्राउंड लंदन का है क्योंकि हमें बैकग्राउंड में लंदन का क्लॉक टावर स्ट्रीट पोल्स नजर आता है जो कुछ इस तरीके का दिखता है। और उसके बाद हमें फिर से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर डंबलडोर कहते हैं कि न्यूट्स किसी की भी नहीं सुनता, तो वो मेरे ऑर्डर क्या मानेगा। लेकिन इस सीन को देखकर तो ये लगता है कि न्यूट्स डंबलडोर का ही कुछ काम करने गया है और वो काम शायद ग्रिंडलवॉल्ड्स का है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और ये सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस सीन में हमें ग्रिंडलवॉल्ड्स नजर आता है जिनका रोल इस फिल्म में जॉनी डेप कर रहे हैं। और देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे ग्रिंडलवॉल्ड्स को पकड़ लिया गया है क्योंकि अगर हम नजर डालें ग्रिंडलवॉल्ड्स के हेयर पर तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में नजर आए थे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ग्रिंडलवॉल्ड्स कुछ लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, यानी वो उन लोगों को अपना साथ देने के लिए कह रहे हैं। लेकिन फर्स्ट पार्ट में आप सबको याद होगा एंड में ग्रिंडलवॉल्ड्स को पकड़ लिया जाता है, यानी वो अभी भी प्रिजन में है। और जो हमारे ग्रिंडलवॉल्ड्स के साथ में खड़ी है वो और कोई नहीं बल्कि विंडा रोजियर है जिनका रोल इस फिल्म में पॉपी कॉर्बी कर रही है। तो अगर उनके सर नेम पर नजर डालें तो रोजियर्स एक प्योर ब्लड है जो लोग सर्व करते हैं वॉल्ड डेमन को। और बात करें इस जगह की तो मुझे लगता है कि ये जगह नॉर्मन गार्ड है जिसे ग्रिंडलवॉल्ड ने एक प्रिजन के तौर पे बनाया था जिसमें वो अपने दुश्मनों को कैद रखता है। लेकिन बाद में हमने हैरी पॉटर मूवी में देखा था कि वो उस प्रिजन में ही खुद को कैद कर लेता है जहां पर वॉल्ड डेमन जाकर उसे मार देता है। और अगले सीन में हमें टीना गोल्डस्टीन नजर आती है जो इस फिल्म में फिर से वापस आई है। और बैकग्राउंड के स्टैचू पर नजर डाले तो वो स्टैचू मूव कर रहा है, तो हो सकता है कि ये जगह फ्रांस मिस्ट्री ऑफ मैजिक हो। उसके बाद हमें एक और कैरेक्टर नजर आता है जो इस फिल्म में रिटर्न आया है और वो है जेकब।
जो एक बार फिर न्यूट्स के साथ उसके मिशन पर जाने वाला है। लेकिन बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट के एंड में उसे भुला दिया गया था कि उसने न्यूट्स और क्वीनीज के साथ में मिलकर कोई मिशन पर काम भी किया था। लेकिन ऐसा पक्का नहीं है कि जेकब की याददाश्त पूरी तरीके से चली गई थी, क्योंकि वो अपनी बेकरी में अलग अलग तरीके के बीस्ट के केक भी बनाता है, यानी उसे कुछ तो याद है जो इस फिल्म में क्लियर हो जाएगा। और जेकब के बैकग्राउंड में हमें दो नए बीस्ट नजर आते हैं, जिनमें से एक बीस्ट को देखकर ये लगता है कि वो फ्लूपर है, और दूसरे बीस्ट के बारे में अगर आपको पता है तो उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं इस सीन की। वेल, ये सीन पेरिस का है, लेकिन यहाँ पर जो दो शख्स बैठे हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिनमें से एक शख्स है क्यूरिन बैरबोन, जिसे हमने फैंटास्टिक बीस्ट 1 में भी देखा था। और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने पावर पर कंट्रोल करना सीख गया है। और बैरबोन के साथ में एक और नई कैरेक्टर नजर आती है, जिनका नाम है मेरा डिक्टेस, जिनका रोल इस फिल्म में क्लॉडिया केम कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि उन्हें इस फिल्म में कुछ कर्ज दिया गया है, जिससे वो अपने आप को एक बीस्ट में भी कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन उनके कपड़ों पर नजर डाले तो उनके कपड़े कुछ स्नेक जैसे हैं, तो हो सकता है कि वो आगे चल के वोल्डेमॉर्ट की स्नेक बन जाए। और इस सीन को देखकर ये कंफर्म होता है कि ये फ्रांस मैजिक मिनिस्ट्री ही है, जिसके रूफटॉप पर सभी बीस्ट के नाम लिखे गए हैं। और इनमें से दो बीस्ट को हम पहचानते हैं, एक है डीडॉक्सी और दूसरा लिनेफियोल। और इस सीन में हमें कोई बैले करता हुआ नजर आता है, जहाँ पर लिटल स्ट्रेंज भी है। और देखकर ऐसा लगता है कि इस डांसर ने शायद अपनी ग्रेजुएशन की होगी बोबैज ग्रुप से, जिसे हमने गॉबलेट ऑफ फायर में देखा था। और अगले सीन में हमें तीन लोग कहीं जाते हुए नजर आते हैं। वेल, इस सीन को देखकर मुझे थॉर रग्नारॉक की इस सीन की याद आ गई, जहाँ पर ओडिन मर जाते हैं और वहाँ पर हमारी हेला की एंट्री होती है। खैर, अब बात करते हैं इस फिल्म की। और अगले सीन में हमें न्यूट्स एक बीस्ट पर नजर आता है, जो मेरे हिसाब से कैल्पी हो सकता है, और वो बीस्ट हमारे न्यूट्स की मदद कर रहा है किसी जगह से भागने में। और न्यूट्स को पानी में देखकर ऐसा लगता है कि न्यूट्स ने शायद वही ग्रिली वीट्स खाए होंगे, जिसे हमारे हैरी पॉटर ने खाया था गॉबलेट ऑफ फायर मूवी में। उसके बाद हमें वॉल पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है, जहाँ पर कोई उस दीवार पर देख रहा है। मे भी शायद ये और कोई नहीं बल्कि न्यूट्स हो सकता है, या फिर डंबलडोर। तो ये चीज मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस टीजर का एक स्पॉइलर भी। तो अगर इसे करीब से देखा जाए तो देखकर ये लगता है कि ये किसी विजेट फैमिली का ट्री है, जहाँ पर हमें कॉर्वेस लेस्ट्रेन नाम नजर आता है, यानी ये लेस्ट्रेन फैमिली है। और इस फुल व्हाइट शक्ल को देखकर ये लगता है कि ये फैमिली का एल्डर है, और एक व्हाइट पर्सन भी, यानी ये फुल ब्लड पर्सन है। उसके बाद दूसरी तरफ नजर डाले तो वहाँ पर हमें एक फुल ब्लैक और एक हाफ ब्लैक लेस्ट्रेन नजर आते हैं, यानी ये कॉर्वेस की वाइफ होगी, लेकिन वो मगलू है, जिससे कि अगर हम नीचे की तरफ देखें तो उसे एक बच्चा हुआ है, और वो बच्ची भी फीमेल है, और वो हाफ ब्लड लेस्ट्रेन है, यानी ये और कोई नहीं बल्कि लिटल लेस्ट्रेन है। और उसके बाद की चीज शायद काफी ज्यादा स्पॉइलर है, तो जरा बचकर, या फिर आप इस चीज को स्किप कर सकते हो थोड़ा आगे की तरफ। और दूसरी जगह हमें गॉर्लेवेस की दूसरी फैमिली नजर आती है, जिसमें नीचे की तरफ जो फेस है वो एक मेल का है, और उसके नीचे कुछ नाम लिखा हुआ है, और वो नाम है क्रीडेंस बैरबोन, यानी बैरबोन लिटल लेस्ट्रेन का भाई है, ऐसा मेरा मानना है। वेल, तो आपको इस फॉल में और कौन सी चीजें नजर आ रही है, इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इस सीन पर नजर डाले तो ये एक म्यूजियम है, और इस म्यूजियम का नाम है म्यूजियम ऑफ लिविंग क्यूरियोसिटीज। वेल, इसी जगह पर शायद बैरबोन्स छुपा हुआ है, और उसकी मुलाकात यहाँ पर मेल्डी केट से होती है। और फिर अगले सीन में हमें एक केज दिखाई जाता है, जहाँ पर काफी लोग खड़े होते हैं, और उस केज के अंदर क्या है वो तो हमें नहीं नजर आ रहा है, लेकिन वहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, और वो है स्क्रैंडल, इस म्यूजियम का ओनर, जिनका रोल इस फिल्म में ओलाफ डेरी कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक न्यू विजिट नजर आता है, जिनका नाम है यूसुफ कामा। उसके बाद हमें पिकेट्स नजर आता है, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं बैरबोन को, जो काफी गुस्से में है, और हम अगले सीन में देखते हैं कि एक रूफटॉप के काफी टुकड़े हो जाते हैं, और उसके नीचे हमें नजर आता है ग्रिंडेलवॉल्ड। लेकिन उसके लुक को देखकर ये लगता है कि शायद ग्रिंडेलवॉल्ड ने अपने भेष को बदला हुआ है, तो शायद यहाँ पर वो एक बार फिर से हमें ग्लेव नजर आए, यानी कॉलिन फेरल भी इस फिल्म में हो सकते हैं। और अगले सीन में हम एक कैरेज को देखते हैं, जिसे टेस्ट्रोल की मदद से ले जाया जा रहा है। वेल, टेस्ट्रल्स तो आपको याद ही होंगे, जो आसानी से किसी भी नजर नहीं आते हैं, और इन्हें फिल्म में सिर्फ हैरी पॉटर और लूना ने देखा था, क्योंकि वो दोनों मरकर फिर से जिंदा हुए थे। और इस सीन को देखकर ये लगता है कि वो लोग किसी प्रिजनर को छुड़ा कर ले जा रहे हैं। और अगले सीन में हमें पता चल जाता है कि वो प्रिजनर ग्रिंडेलवॉल्ड है, जिनका रोल इस फिल्म में जॉनी डेप कर रहे हैं। और वो कौन है उनके बारे में मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो एक बार फिर
काफी बेस्ट लग रहे हैं। तो शायद ये तब का सीन होगा जब कुछ लोग हमारे ग्रिंडेलवॉल्ड को छुड़ा लेते हैं। तो ये दोनों कौन है उसकी तो कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से एक है एब्रेनथ, जिनका रोल इस फिल्म में केविन कर रहे हैं, और दूसरा शख्स कौन है उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम सुन सकते हैं कि डंबलडोर कहते हैं कि मैं ग्रिंडेलवॉल्ड का सामना नहीं कर सकता, उसका सामना तुम्हें करना पड़ेगा। वेल, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट में ग्रिंडेलवॉल्ड को हमारे न्यूज़ नहीं पकड़ा था, ना कि वो रीजन हो सकता है कि डंबलडोर ग्रिंडेलवॉल्ड से प्यार करते थे, क्योंकि इस टॉपिक को इस फिल्म से बिल्कुल दूर रखा गया है और फिल्म में ऐसी कोई भी बात नहीं होने वाली। इस बात की कंफर्मेशन इस फिल्म की राइटर जेके रॉलिन ने खुद की थी, लेकिन जिन्होंने इसकी बुक पढ़ी थी उन्हें पता है डंबलडोर और ग्रिंडेलवॉल्ड का रिश्ता क्या है। तो इस फिल्म में ग्रिंडेलवॉल्ड ने हमारे डंबलडोर को काफी तकलीफ दी होगी, जिससे वो सही तरीके से उभर नहीं पाए है, इसलिए वो ग्रिंडेलवॉल्ड का सामना नहीं करना चाहते। वेल, यही वो रीजन हो सकता है। और बात करें न्यूट्स की, कि न्यूट्स ही ग्रिंडेलवॉल्ड को क्यों पकड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ग्रिंडेलवॉल्ड के पास एल्डर वन की छड़ी है और फर्स्ट पार्ट की बैटल में न्यूट्स ने उसे हराया था, जिसका मतलब ये है कि अब न्यूट्स उस एल्डर छड़ी का मालिक है। लेकिन हमारा ग्रिंडेलवॉल्ड अभी भी जिंदा है, और अभी बात करें एल्डर छड़ी किसके पास है, तो अभी एल्डर छड़ी हमारे हैरी पॉटर के पास है, क्योंकि जब डंबलडोर मर गए थे तो डंबलडोर की छड़ी वोल्डेमॉर्ट के पास चली गई थी, लेकिन उस छड़ी का असली होल्डर मैलफॉय था, जिसे हैरी ने डिसार्म कर दिया था। यानी वो छड़ी वोल्डेमॉर्ट के पास थी तो भी कुछ काम की नहीं थी, क्योंकि उस छड़ी का असली मालिक हमारा हैरी पॉटर था, इसलिए उस सीन में हैरी उस छड़ी से नहीं मर पाता। तो यहाँ पर ये चीज अब क्लियर हो गई है एल्डर वन की छड़ी को लेकर। तो अब बात करें इस फिल्म की, तो शायद मुझे लगता है कि अब उस छड़ी का असली मालिक न्यूट्स ही है। उसके बाद हमें ट्रेलर का आखिरी सीन नजर आता है, जहाँ पर न्यूट्स और उसका भाई कैसियस है, तो अब दोनों साथ में है और वो लोग मिलकर किसी का मुकाबला कर रहे हैं, और बैकग्राउंड को देखकर ये लगता है कि ये एक ग्रेवयार्ड है, और वो लोग मिलकर अपनी छड़ी को जमीन पर पटकते हैं, जिससे एक अजीब ही लाइट निकलती है। तो शायद वो लोग यहाँ पर मिलकर किसी एंशियंट विजर्ड से लड़ रहे हैं। वेल, तो उसकी बाकी की डिटेल हमें फिल्म में देखने मिलेगी। उसके बाद हमें डेडली हॉलो का सिंबल नजर आता है, और फिर उसके बाद फिल्म का नाम आता है, जहाँ पर डेडली हॉलो की वही तीन चीजें हैं, जिनमें से एक है क्लोक ऑफ इनविजिबल, रेजरेक्शन स्टोन और द एल्डर वन की छड़ी। और यहाँ पर ये टीजर खत्म हो गया, साथ ही साथ हमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई फैंटास्टिक बीस्ट 2 के बारे में। तो अब वेट करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर का। वेल, तो अब आपको क्या लगता है इस फिल्म को लेकर, इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।